सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मजेदार सा टिक्का बोटी बर्गर बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमने एक न्यू वी लॉगिंग चैनल राना दिल अहमद के नाम से स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप लिंक देख सकते हैं। इसको भी इसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह आपने मेरे दूसरे चैनल्स को सपोर्ट किया। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि टिक्का बोटी बर्गर किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये दो बर्गर लिए हैं, इसको मैंने सेंटर से इस तरह कट कर लिया। इसके बाद ये लच्छेदार प्याज, क्योंकि मैं इसको लाइक करती हूँ, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। इसके बाद ये मेयोनीज है और ये टिक्का बोटी। चलिए एक क्विक रिव्यू में देखते हैं कि हम टिक्का बोटी किस तरह बनाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, बोनलेस चिकन लिया है मैंने और फिर इसकी हमने छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। आप अपने इसको पसंद के मुताबिक देख सकते हैं। इसके बाद ये नमक है हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, हाफ से थोड़ी कम। हमने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है 1/4 चम्मच, जो है वो हमने सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है, और 1/4 चम्मच जो हमने चाट मसाला लिया है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला ले लें। इसके बाद एक चम्मच जो है वो हम सिरका इस्तेमाल करेंगे, एक चम्मच सोया सॉस, और एक चम्मच जो है वो हम ये रेड सॉस इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम इनको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले ये चाट मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ, सूख मिर्च पिसी हुई, और नमक जो है वो हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे आधा चम्मच, सोया सॉस, रेड सॉस और थोड़ा सा सिरका। ये थोड़ा सा सिरका हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम अच्छे से इनको मैरिनेट कर लेते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमें आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए, अब मैं इसको चूल्हे पर आकर पकाऊंगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा, 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे, और इस ऑयल में हम ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मैरिनेट चिकन था उसने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा है। जैसे ये पानी खुश्क होगा हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर उसके बाद हम चूल्हा बंद करके अपने बर्गर में ये सारे मसाले को लगाकर सर्व करेंगे। अब इसने घी छोड़ दिया है, बस हम इसको हल्का सा और भूनेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे। अभी हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको बर्गर में लगाते हैं। कर लिया, उसके बाद ये मेयोनीज है। मेयोनीज जो है वो मैंने होममेड ली है, इसका लिंक आप मेरी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। चलिए अब हम सबसे पहले बर्गर को सेकेंगे। इस तरह से आपने इसको सेक लेना है, आप चाहें तो आप इसके नीचे थोड़ा सा घी या ऑयल भी लगा सकते हैं। अब मैंने बर्गर को सेक लिया, अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। अब ये हम नीचे वाला लेंगे, मेयोनीज की टॉपिंग। अच्छा, इसमें कैचअप मिसिंग है, मुझे कैचअप ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। आपको जिस तरह पसंद हो इसको आप टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ यूज़ किया मेयोनीज। इसके बाद हम ये बोटी, टिक्का बोटी इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद हम ये अनियन प्याज के जो हैं वो स्लाइस रखेंगे, आप सैलड वाले भी रख सकते हैं। खीरा, गाजर,
टमाटर जो आपको सैलड में पसंद है वो रख सकते हैं। मैंने अनियन रिंग्स इस्तेमाल की हैं और लास्ट पर मैं हल्की सी दोबारा एक पे जो है वो टॉपिंग कर रही हूँ। लीजिए व्यूअर्स, हमारे मजेदार टिक्का बोटी बर्गर रेडी हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे मजेदार टिक्का बोटी बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये निहायत ही यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस हैं। सबसे अच्छी बात ये होममेड है, साफ सुथरे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।